फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। एग्जाम्स आ चुके हैं और हम सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अक्सर एक सवाल हर बच्चे के दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है, तब भी जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे और आज भी जब हम स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प कर पा रहे हैं, थोड़े सीनियर स्टूडेंट होने के नाते। उसी नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक खास बात जो आपसे शेयर करना ही चाहिए मुझे, कि हम पढ़े कैसे। ये सवाल का जवाब शायद उस दिन से ढूंढा जा रहा है या खोजा जा रहा है जब से दुनिया कायनात में पढ़ाई नाम की कोई चीज आई, या शायद ये बला आई। अब सवाल यह है कि हम इस सवाल का जवाब क्यों नहीं खोज पाते। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को आप तक पहुंचाने की। जैसे हम देखते हैं कि आदमी की डाइट अलग अलग है। कुछ लोग 4 रोटी खा रहे हैं, कुछ 6 रोटी खा रहे हैं, कुछ 2 रोटी खा रहे हैं, कुछ 3 रोटी खा रहे हैं, कुछ 1 रोटी खा रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा है इसके बारे में कि जितना हम खाते हैं उसका शायद हम 70% भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इस बात से थोड़ा मैं इस स्टडी को जोड़ना चाहता हूँ। जब मेरी बात बच्चों से होती है तो वो कहते हैं हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं। यहीं पर एक पहला सवाल उठता है कि जितनी देर हम पढ़ते हैं क्या उतनी देर हम सीरियसली कुछ एडॉप्ट कर पा रहे हैं, कुछ डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, या फिर उसमें कितने परसेंट टाइम हम चीज़ों को सिर्फ ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं। जैसा मैंने खाने के बारे में पहले कहा कि 70% जो फूड हम ले रहे होते हैं वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज हम उसे सही से ना तो चबा पाते हैं, ना डाइजेस्ट कर पाते हैं, और ना ही उसका हम कोई अपने ग्रोथ में यूज़ कर पाते। ऐसा ही स्टडी में हो रहा है कि हम अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से हम अगर एक एनालाइज करके देखें इस चीज को, तो हमें लगेगा हमारा ज्यादातर वक्त बुक्स को तलाशने में, नोट्स इकट्ठे करने में, कमरे में बैठने में, उस जगह को डेकोरेट करने में, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, या बार बार पेज पलटने में, या इन बहुत चीजों में हमारा वक्त जाया हो रहा है। अगर हम वो रियल टाइम सर्च करें और कैलकुलेट करें तो हमें अंदाजा होगा कि शायद उन 6 या 4 घंटों में हमने 25% या 30% वक्त ही सिर्फ अपनी स्टडी को दिया होगा, और उसमें हमने कितना समझा होगा ये तो एक दूसरा ही सवाल है। मैंने कहीं पढ़ा है स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है ना कि हाउ टू कंसंट्रेट द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, कि हमें फोकस करना है उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर, ये पहली समस्या है, हमें इसका हल निकालना होगा। और उससे पहले कि हम जब पढ़ने बैठ रहे हैं उस चीज़ को हम कितना समझ पा रहे हैं, कितनी गहराई में जा रहे हैं, इतना करने में हमें जो वक्त लग रहा है इसके बारे में भी सोचना होगा। तो हम जितना भी टाइम लगाएं, जैसे एक और तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, हमने देखा है कि हम जब किसी टॉपिक पर पढ़ रहे होते हैं, किसी बुक को लिए बैठे होते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमारा दिमाग थकने लगता है। एक मैन्युफैक्चरिंग हमारे बॉडी की ऐसी है कि हमारा सर सबसे ऊपर है, वहीं हमारा ब्रेन है, और हमारे बॉडी के जिस पार्ट में एक्टिविटी होती है, इसे मैं बायोलॉजिकली समझा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिएगा, तो जिस बॉडी के जिस भी पार्ट में हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, हमारा हार्ट वहीं पर फोकस करके ब्लड को सप्लाई करने लगता है। चूंकि जब हम सोच रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन ऊपर है, तो हमारे हार्ट को ऊपर ब्लड सप्लाई करना है, थोड़ी देर बाद हमारे सर में दर्द होने लगता है। इसका मतलब एक टाइम है, दिस इज अ वेक अप कॉल दैट वी मस्ट स्टॉप स्टडी एंड हैव सम एंटरटेनमेंट। अगर हम अपनी पढ़ाई में थोड़ा एंटरटेनिंग एक शामिल कर लेंगे, एक आस्पेक्ट, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि आज का टाइम
अगर टाइम से कंपेयर करें, पहले हमारा जमाना टेस्ट क्रिकेट का था, 2020 का है, तो आज के बच्चों में अगर आप कम उम्र के हैं या आपके बच्चों की पढ़ाई की मैं अगर बात कर रहा हूँ, उनको आप समझ रहे हैं उनके बारे में, तो वो इतना लंबे समय तक अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रख पा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी अब इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर हम उन्हें इतना ना जोर दें इन चीज़ों पर, थोड़ी थोड़ी देर के पार्ट्स बनाकर हम एक एक घंटे के शेड्यूल में पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद हम बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, छत पर जाकर थोड़ा फ्रेश एयर लेकर एक बार फिर हम चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, जब अच्छा फील हो तो हम दोबारा वापस आकर चाय या कॉफ़ी लेकर, या अपने ज़माने की बात करें पुराना स्टाइल वही ओल्ड म्यूजिक का थोड़ा सहारा लेकर, जब हमें लगे हैं थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, वी मस्ट स्टार्ट आवर स्टडी अगेन। इस तरह से हम अगर स्टडी को प्लानिंग करते हैं तो मुझे लगता है स्टडी करना आसान होता है और बहुत ही हेल्पफुल भी। एक बात मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी है, शायद आपके काम आए, कि अगर हम रात में कुछ देर पढ़ने के बाद या ज़्यादा देर पढ़ने के बाद अगर हल्की सी एक नैप ले लेते हैं, छोटी सी झपकी ले लेते हैं, सो लेते हैं थोड़ी देर, तो ये वैसा ही काम करता है। मैंने कहीं पढ़ा है, ट्रस्ट मी, ये वैसा ही काम करता है जैसा हमारे फ्रिज में आइसक्रीम जम रही होती है, फिर अवन में केक जम रहा होता है, तो ये हेल्प करता है। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, फिर उठते हैं और फिर थोड़ी सी पढ़ाई करें। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, यू नो, हमारी स्टडी थोड़ी बोरिंग ना होने के बजाय थोड़ी एंटरटेनिंग हो, बीच बीच में थोड़े ब्रेक हों, और एक सब्जेक्ट की लगातार हम पढ़ाई ना करें, अगर उसमें थोड़ा हम यू नो वैरायटी ले आएंगे तो शायद बेटर होगा। हम मैथ्स करते करते थोड़ा बोर हो जाएं तो स्टोरीज पे चले जाएं, लिटरेचर पे चले जाएं, या और चेंज कर सकते हैं, थोड़ी प्लानिंग के साथ अगर स्टडी करेंगे तो ये काम भी मुश्किल नहीं होगा, जैसे आपके लिए और काम भी आसान होते हैं वैसा ही। तो इस तरह से प्लीज़ प्लान करिएगा, थोड़ा एंटरटेनिंग करें, और पेरेंट्स को विश्वास दिलाइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पेरेंट्स अगर आप हैं तो थोड़ा बच्चों पर बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, और उन्हें पढ़ाई के ऐसे ऐसे मेथड अप्लाई कराइए उनके साथ जिसमें वो थोड़ा एंटरटेनिंग तरीके से थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। उन्हें लगातार बैठाए रखना या एज ए स्टूडेंट लगातार बैठे रखना दुनिया को दिखाने के लिए, ये धोखा देना बेकार है। खुद को, मन की बात सुनिए, दिल की आवाज़ सुनिए। एक और लास्ट में बात कहना चाहूँगा, एक बहुत पुराना थियोरी है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना। साथियों, इस बात को सबसे इम्पोर्टेंटली समझिएगा, मेरा इस थियोरी में बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम अलग अलग तरह के लोग हैं, हमारी जो बॉडी का जो साइकिल है वो डिफरेंट होता है। जैसे हमने जीवों के बारे में पढ़ा ना, दिनचर प्राणी, रात्रिचर प्राणी, उभयचर प्राणी, हम सब अलग अलग प्राणी हैं। कुछ सुबह जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, संत प्रकृति का कह सकते हैं हम उन्हें, मगर कुछ लोगों को रात में पढ़ना ही अच्छा लगता है, सूट करता है। एज ए स्टूडेंट मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता था, मैं कभी भी यू नो जल्दी उठने वाला स्टूडेंट नहीं रहा। ये अलग बात है, मैं कोई लैंडमार्क नहीं हूँ जो आपको एक बहुत अच्छी दिशा दे सकूँ। छोटी सी एडवाइस, अपने बच्चों को अगर आप पेरेंट्स हैं तो फोर्स ना करें, आप पहले पहचानें कि उन्हें कौन सा टाइम स्टडी के लिए सूट करता है, और खुद स्टूडेंट हैं तो खुद को पहचानिए, आपको इवनिंग का टाइम पढ़ना सूट करता है या लेट नाइट आपको पढ़ना अच्छा लगता है या अर्ली मॉर्निंग अच्छा लगता है। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ, योर टेस्ट, योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, योर ब्रेन, योर हार्ट, देन अप्लाई इट। आई होप दैट यू विल गेट सक्सेस, कामयाबी आपके सामने होगी और आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये थॉट अच्छा लगा हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, प्लीज एक लाइक करें और शेयर जरूर करें अगर आपको ये पसंद आया।